Hey guys, I am back again. आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा कि मेरा जो ये चैनल है टेक गेम्ड का, इस पे मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया है और स्पेशली थैंक्स टू यू, क्योंकि आप लोगों के बिना ये पॉसिबल नहीं था। और जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे इनेबल होता है मैं रॉक कर दूंगा, आग लगा दूंगा, सेम वही कंडीशन यहाँ पे होने वाले इस रूम को लेकर, क्योंकि ये रेडमी नोट 4 का एमआई रूम का पाई पोर्ट रूम आ चुका है, जिसके अंदर आपको काफी कुछ देखने को मिल जाता है, जो यूजर्स कह रहे थे कि भाई मैं चाह के भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके लिए गुड न्यूज मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को फुल वॉच करते रहें और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की भी मैं डिटेल दे दूंगा कि क्या आपको मिलने वाला है रेडमी नोट 4 यूजर्स को, तो वीडियो को फुल वॉच करना होगा। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब फटाफट कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और नोटिफिकेशन करना बिल्कुल ही ना भूलना, क्योंकि यहाँ पे अब है जो आपको मजेदार वीडियोज मिलने वाले, क्योंकि अब काम करने में मन लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि एड्स इनेबल हो गए हैं और स्पेशली थैंक्स आप लोगों का, क्योंकि ये सब आपके वजह से ही तो पॉसिबल हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इसके अबाउट में। तो ये एक एमआई रूम का स्टेबल बिल्ड है जो कि एमआई वाई बेस्ड है, जहां पे आपको बिल्ड नंबर देखने को मिलता है 11.0.5। जी हाँ, इसके पहले मैंने ईयू का स्टेबल बिल्ड बताया था जो कि काफी ज्यादा स्टेबल था और अब तक लोग यूज कर रहे थे, लेकिन इसके आने के बाद मैं कहूँगा वो थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। क्यों, तो चलिए देखते हैं। एंड्रॉइड वर्जन आपको 9 देखने को मिल जाता है, मेंटेनर का नेम यहाँ पे लिखा गया है, सिक्योरिटी पैच 2019.11.1 का जो कि बिल्कुल ही लेटेस्ट है, और यहाँ पे यूज किया गया आपका ग्रीन पैक है, किरनेल है जो लीनेज ओएस का। जी हाँ, तो लीनेज ओएस काफी अच्छा परफॉर्म देता है और बैटरी बैकअप भी काफी अच्छे प्रोवाइड कर देता है। आई की बात है तो सारे MIUI 11 वाले फीचर्स मिल जाते हैं, स्टेबल बिल्ड है तो थोड़े बहुत आपको जो बीटा वाले भी यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, म्यूजिक मैनेजमेंट और जो MIUI रूम की ओर से कस्टमाइजेशन आता है वो सारे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, आपके होम स्क्रीन पे हो या फिर आपका इधर हो या फिर उधर हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो अपने आइकन के साइज को कितना रखना है, साथ साथ उसके लेआउट कैसा रखना है, कितना होना चाहिए कॉम्पैक्ट या कितना एक्सटेंडेड, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। लेआउट स्क्रीन का सेक टू फील इम्पर्टी सेल भी आप यहाँ पे कर पाओगे, यहाँ पे ऐप ड्रॉअर भी दिया गया है, बहुत सारे यूजर्स को ऐप ड्रॉअर ज्यादा पसंद आता है जबकि मुझे भाई पोको लॉन्चर ज्यादा पसंद आता है, तो अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना पसंद और अपना अपना नापसंद है। ए टू जेड कर सकते हो सिस्टम में, आप जो बैकग्राउंड ब्लैक या फिर डार्क या व्हाइट कर सकते हो, तो ये भी है जो पोको लॉन्चर से ही उठाया गया है, चोरी किया गया है, साइबरमे का खुद का यही काम है, इधर का उठाओ उधर करो, उधर का उठाओ इधर का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने ऐप ड्रॉ इनेबल कर दिया है जिसकी वजह से नीचे की ओर दिखाई देता है, तो यहाँ पे जो लेआउट दिखाई देता है बैकग्राउंड ऐप के वो काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छे क्लियर टाइप के जो आइकन्स दिखाई देते हैं इस ऐप ड्रॉ में, तो अच्छा लगता है, जितना कि पोको लॉन्चर उतना दिखता नहीं था बट फिर भी पोको लॉन्चर में ज्यादा प्रीफर करूंगा। यहाँ पे एबीसीडी दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से, आप जो ड्रॉ कर पाओगे यहाँ पे सर्च कर पाओगे, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये लॉन्चर पसंद नहीं है ऐप ड्रॉ का तो आप निर्वॉल कर सकते हो या फिर आप पोको लॉन्चर भी यूज कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और पोको लॉन्चर मुझे ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे एक सेक का फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि आप अपने आइकन को इधर उधर खिंडा रखे हो और आप चाहते हो कि मैं वन वन करके एडजस्ट ना करूँ, एक बार में एडजस्ट हो जाए, तो बस इस तरह से आपको एडिट मेनू में जाना है और यहाँ पे देख सकते हो सेक का लिखा हुआ आ गया था पावर में कि सेक टू फील इम्पर्टी सेल, और अपने फोन को ऐसे सेक कर देना है, तो आप पकड़ के सेक करना, अदरवाइज हाथ से छूटा फोन तो भाई आपके दिल दो टुकड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, अरे हो जाना हो गया, तो दो बार राउंड करना पड़ता है कुछ इस तरीके से। फिर से मैं अलग अलग कर देता हूँ इन सभी को, जहां का तहां, तहां का वहां, और उसके बाद इस तरीके से, तो ये लॉक हो गया। हाँ, तो ये एडजस्ट हो गया, तो कुछ इस तरीके से सेक फीचर से जो हमारा काम करता है। यहाँ पे मैं अभी थर्ड पार्टी थीम यूज कर रहा हूँ जो कि काम कर रहा है अच्छे तरीके से, तो थीम की भी कोई इशूज नहीं है, तो ये भी मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था आपको, तो आप चाहो तो इस थीम को यूज करो या फिर अदर थीम यूज करो, जो आपको पसंद आता है वो थीम आप यूज करो, डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। तो मैं अभी फिलहाल आ जाता हूँ डिफॉल्ट के ऊपर ताकि आपको क्लियर व्यू दिखाई दे। सब आ जाते हैं हम अपने होम स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे मैं बता दूं कि जिन लोगों में साफ साफ मेंशन किया गया कि आपका गुडिक्स का जो फिंगरप्रिंट था, जिन लोगों का गुडिक्स था और वो रो रहे थे कि भाई मेरा गुडिक्स मैं चाह के भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट बताया गया कि गुडिक्स से जो फिक्स्ड हो गया आपका फर्स्ट बूट में, मे बी फिंगरप्रिंट अटैच नहीं होगा, उसके लिए आपको एक बार डिवाइस को रिबूट कर लेना है या कंप्लीट सेटअप करने के बाद आप दोबारा ट्राई करोगे अटैच करने का, तो आपका फिंगरप्रिंट है जो अटैच हो जाएगा और गुडिक्स वाले मजा ले पाओगे फिंगरप्रिंट का, लेकिन FPC वाले तो ऑलरेडी है जो फिक्स्ड है और मजा ले रहे हैं। यहाँ पे आपको वीडियो कॉल का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो पाई में आपको वीडियो कॉल भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आप निराश हो रहे थे वीडियो कॉल के सपोर्ट को लेकर, तो यहाँ पे सक्सेसफुली वर्किंग है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो जियो से, वो भी डिफॉल्ट हो, जियो की कॉलिंग भी परफेक्ट है और यहाँ पे ब्लूटूथ का भी कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका GPS जो कुछ लोग कह रहे थे कि वर्किंग नहीं है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो बस उसके लिए आपको एक बार प्ले स्टोर से मैप डाउनलोड कर लेना है, गूगल मैप, उसके बाद उसे सर्च करके अपना लोकेशन है जो डिटेक्ट करवा देना है, और आप उसके बाद GPS भी यूज कर सकते हो। जी हाँ, GPS में अगर प्रॉब्लम आती है तभी आपको जो गूगल मैप का सहायता लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, क्योंकि GPS भी यहाँ पे आपको
वर्किंग मिल जाता है। यहाँ पे लेटेस्ट आपको सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी और काफी कमाल की बात है। यहाँ पे जो हार्डवेयर लाइटनिंग कभी कभी आ रही थी, एक जो मैंने बेस्ट रूम पहले दिया था उसमें हार्डवेयर की प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे हार्डवेयर लाइटनिंग भी आपका जो काम करता है तो ये भी यहाँ पे फिक्स्ड है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। वहीं पे बात करें इसके हम इसके Antutu के स्कोर की बात करें, यानी परफॉर्मेंस के जो भी बूस्ट किया गया है, और यहाँ पे Antutu का स्कोर भी आपको काफी बेटर देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो 95164 का स्कोर मिला है, और मैं Antutu का जो वर्जन है वो है V8.0.2, यानी लेटेस्ट वाला यूज कर रहा हूँ, जो कि करीब 700 के आसपास का आता है। और यहाँ पे रूट डिटेक्ट भी बता देता है कि आपका रूट डिटेक्ट है या फिर नहीं है। तो परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बूस्ट किया गया है, और बैटरी में भी काफी ज्यादा बूस्टिंग की गई है, तो बैटरी आपको काफी अच्छा मिलता है। आप GKM का हेल्प लेकर पोर्ट्रेट पिक्चर वगैरह क्लिक कर पाए, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट वाले में बग शुरू से चलता हुआ आया है, और अभी भी आपको बग देखने को मिलता है पोर्ट्रेट का। और यहाँ पे कास्ट स्क्रीन भी है, जो बताया जा रहा है कि फिक्स्ड हो गया है, तो मैंने टेस्ट नहीं किया, आप टेस्ट कर लेना। और गुडिक्स यूजर्स आप भी मुझे बताना कि आप इस रोम को यूज करके खुश हुए या फिर आपको कुछ कमियां देखने को मिली है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे इसकी बैटरी ड्रेन की, बैटरी ड्रेन हमें क्या मिलता है। तो मैंने 93 पे यूज करना बंद किया था नाइट के 11:40 PM पे, और मैं इसे मॉर्निंग में चेक करता हूँ 6:45 यानी 7 AM पे, तो मुझे बैटरी दिखाई देती है 86%, 93 से 86, तो 4% इधर और 3% इधर, तो यहाँ पे 7% का बैटरी ड्रेन हुआ है, जो कि मैं कहूंगा कि भाई ज्यादा नहीं है ड्रेन तो कम भी नहीं है, क्योंकि भाई करीब करीब 2+ years ओल्ड हो चुका है, और 7% की बैटरी ड्रेन कोई बिग इशू नहीं है। आप चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ रोम है जो 5% का ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, तो नेक्स्ट अपडेट में मे बी इसे और कम कर दिया जाएगा, क्योंकि 7% कोई बिग इशूज नहीं है, तो आप इसे डेली लाइफ में यूज कर पाओगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो पहले स्टेबल का बिल्ड मैंने दिया था यू का, उससे काफी ज्यादा इंप्रूव्ड होकर हमारे सामने आया है, और बग के नाम पे कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया है। जी हाँ, बग के नाम पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, एक सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट का, जो कि डिफॉल्ट कैमरे में आता है प्रॉब्लम, तो आप GKM यहाँ पे यूज कर सकते हो, और इस पोर्ट्रेट वाले प्रॉब्लम को भी अगर सॉल्व कर पाओगे अपने GKM के हेल्प से। तो आप मुझे बताना कि ये रोम आपको कैसी लगी, परफॉर्मेंस कैसा लगा, इसकी डिटेलिंग कैसी लगी, और आप इसे यूज करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि आप इसे यूज करो, क्योंकि MIUI 11 का 0.5U का 5 पोर्ट्स के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूव्ड होकर आता है, और सब कुछ नया देखने को मिल जाता है, जैसे कि सिक्योरिटी पैच, गेम बूस्टिंग, वीडियो कॉल वर्किंग, कॉलिंग वर्किंग, जियो वर्किंग, यहाँ पे GPS वर्किंग, हार्डवेयर लाइटनिंग वर्किंग है, और साथ ही साथ यहाँ पे GPU को और गेमिंग को भी बूस्ट किया गया है, ताकि आप एक बेटर डिटेल्स प्राप्त कर पाओ गेमिंग के टाइम। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अपना ओपिनियन शेयर करना ना भूलें।